हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैड ब्रेथ इन द माउथ के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, तो वो किस वजह से आती है, व्यक्ति का कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित हो रहा है, उस वजह से उसके मुंह से बदबू आती है। अब जो मुंह से आने वाली बदबू होती है, ये बहुत तरीके की होती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से ऑर्गन होते हैं, बहुत से अंग होते हैं, तो जितने भी अंग हैं अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी जैसे जो मुंह से बदबू आएगी वो भी अलग अलग तरीके की आएगी। अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसके मुंह से जो दुर्गंध आएगी वो अलग तरीके की होगी। अगर किसी भी व्यक्ति का लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस दौरान जो मुंह से बदबू आएगी वो दूसरी तरीके की होगी। इसी तरह से अगर किसी भी व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो उस दौरान जो मुंह से बदबू आएगी वो दूसरे तरीके की होगी। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, उसके जो ब्रीथ है उसमें किसी भी तरह की बैड स्मेल है, तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार इसकी वजह से व्यक्ति को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसका जो आत्मविश्वास होता है वो कमजोर हो जाता है, वो सामने वाले व्यक्ति से बात करने में हिचकिचाता है, अपनी बातों को रखने में हिचकिचाता है, क्योंकि उसे हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि उसके मुंह से क्या हो रहा है, बदबू आ रही है। और इस वजह से जो भी सामने वाले व्यक्ति होते हैं उनके सामने उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। व्यक्ति को सारी जानकारी रहती है, सारी नॉलेज रहती है, उसका पहनावा ओढ़ावा, उसका चाल चलन, उसकी नॉलेज सब अच्छी रहती है, लेकिन एक छोटी सी गलती उसके मुंह से आने वाली बदबू उसके करियर को तबाह कर देती है, क्योंकि वो अपनी बातों को कहने में शर्माता है, उसको ये डर रहता है कि उसके मुंह से क्या आ रहा है, दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, इस वजह से वो अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो किसी बीमारी की वजह से ही होगा। कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसी चीजें खा लेता है और उस वजह से दुर्गंध आती है, जैसे कि अगर हम बात करें गार्लिक की या फिर ऑनियन की, मतलब लहसुन या प्याज की, अगर इसको कोई व्यक्ति खा ले तो इसकी वजह से जो मुंह की स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, वो बहुत ही अजीब होती है। तो वहां पे अगर हम देखें तो ये खाने की वजह से हो रहा है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं खाया है फिर भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रश करते हैं, खाना खाने के बाद भी ब्रश करते हैं, नाइट में भी ब्रश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर है जो पनप रही है। तो हम इसको कैसे जान सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्मेल है इसके बारे में लिस्ट आउट कर रखा है। इसके द्वारा हम जानेंगे कि कौन सा अंग हमारा प्रभावित होगा तो किस तरह की बदबू मुंह से आएगी। तो फर्स्ट है इसमें रोटेन एग स्मेल। इसका मतलब होता है सड़े हुए अंडे की बदबू आना या फिर सड़े हुए अंडे की तरह गंध आना। तो अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से ऐसी बदबू आ रही है, सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका खाना अच्छे से नहीं पच पा रहा है, इसीलिए उसके मुंह से ऐसी बदबू आ रही है। अगर हम देखें तो जो खाने का पाचन होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब कोई भी व्यक्ति खाना खाता है तो मुंह में सबसे पहले क्या उसमें मिक्स होता है, लार मिक्स होती है। मुंह में कुछ सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, मतलब कुछ लार ग्रंथियां होती हैं, वहां से लार सिक्रीट होती है और उस लार में एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो खाने का पाचन शुरू होता है मुंह से। जब व्यक्ति मुंह में खाना लेता है तो यहीं से जो लार होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं व्यक्ति के खाने में, और फिर वहीं से खाने का पाचन शुरू हो जाता है, और फिर ये खाना आगे कहाँ जाता है, जो ये ग्रसनी या फिर ग्रास नली या फिर इसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, वहां पे जाता है। इसके बाद ये खाना जाता है स्टमक में, मतलब पेट में, और पेट के बाद ये खाना जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें। तो सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है, उसके बाद ये पेट में जाता है। तो जब खाना पेट में पहुंचता है तो वहां से जो अमाशय रस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो इसमें मिक्स होता है और खाने का पाचन स्टार्ट होता है। लेकिन अगर खाना जो है वो अच्छा नहीं है, जैसे कि अगर खाने का जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो फिर खाने का पाचन अच्छे से नहीं होता है। जैसे कि मैंने बात की कि खाने की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी का मतलब कि जो खाने की गुणवत्ता है अगर वो अच्छी नहीं है, मतलब कि अगर खाना बहुत अधिक स्पाइसी है, बहुत अधिक
मसालेदार है, बहुत अधिक तला भुना है, या फिर उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है, या फिर वो मीठा बहुत अधिक मात्रा में है, तो वो क्या है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि जो उसकी गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है। अगर हमारे खाने में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या फिर रफेज नहीं है, मतलब कि जो फाइबर है वो नहीं है, तो फिर वो खाना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की, मतलब कि मात्रा की, अगर जो खाने की मात्रा है वो बहुत अधिक है, तो फिर वो खाना क्या है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। खाना जितनी हमको भूख है हमेशा उससे कम ही खाना चाहिए, इसकी वजह से उसका पाचन बहुत अच्छे से होता है। अगर हम देखें तो जैसे जो हमने खाना खाया, अब ये खाना इसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। अब अगर हमने बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लिया, मैंने बात की इसकी मात्रा की, क्वांटिटी की, गुणवत्ता तो हमने पहले ही देख ली कि गुणवत्ता खाने की अगर अच्छी नहीं है, अगर अच्छी तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं है, अगर मान लीजिए खाना अच्छा भी और हमने बहुत अधिक मात्रा में खा लिया तो वो भी ठीक नहीं है। अगर हमने खाना बहुत अधिक खा लिया, अब फुल हो गया, ये जो स्टमक है ये पूरी तरह से भर गया, तो ये जो इसोफेगस होता है और स्टमक होता है, इसके बीच में यहाँ पे एक वाल होता है, एक ढक्कन होता है, और जब हम बहुत अधिक खाना खा लेते हैं उस दौरान जब खाने का पाचन होता है तो जो स्टमक होता है उसमें क्रमांकुंचन की गति होती है, और इस वजह से अगर बहुत अधिक हमने खाना खाया है तो ये खाना क्या होता है, ऊपर की तरफ भागता है, क्योंकि ये स्टमक क्या है, दबता है, और जब स्टमक दबेगा तो खाना ऊपर की तरफ जाता है और ये जो वाल होता है ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और फिर खाना यहाँ से होते हुए कहा मुंह तक पहुंच जाता है। तो बहुत बार लोग आप कंप्लेन भी करते हैं कि उनको खाना खाने के बाद कच्ची नकारें आती हैं, उनके गले में जलन होती है, या फिर उनका जो खाना है वो मुंह तक आ जाता है, तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये खाने के सही से ना पचने की वजह से होता है, ये सारे लक्षण दिखते हैं। और इसके साथ साथ ये भी लक्षण दिखता है कि व्यक्ति के मुंह से बदबू आती है, और ये बदबू कैसी रहती है, ये बदबू रोटेड एग स्मेल की होती है, या फिर यूं कहें कि सड़े हुए अंडे की तरह होती है, क्योंकि जब व्यक्ति खाना खा रहा है तो ये खाना यहाँ से पचता हुआ पहुंचता है पेट में, और पेट में फिर आधा पचा हुआ जो खाना होता है ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में, और जो छोटी आंत होती है वहां पे गट्स होते हैं, और उन गट्स में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। अब ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, या फिर ये अच्छे से अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से जो खाना होता है उस वो एक तरह से सड़ने लगता है, और इस वजह से व्यक्ति के मुंह से सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को GERD की समस्या है, GERD की समस्या, ये क्या है, ये एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं, जिससे होता है गैस्ट्रो, इससे होता है इसोफेजियल, आर से होता है रिफ्लेक्स, और डी से होता है डिजीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, इसका मतलब होता है कि ये जो खाना होता है ये उल्टा जब जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स। क्यों, गैस्ट्रो से रिलेटेड है क्या, जो स्टमक, और इसोफेजियल मतलब कि ये जो ग्रसनिंग है, रिफ्लेक्स का मतलब खाने का उल्टा जाना, ऊपर की तरफ जाना, डिजीज मतलब एक बीमारी। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उस दौरान भी व्यक्ति के मुंह से सड़े हुए अंडों की बदबू आती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका खाना अच्छे से नहीं पच पा रहा है, तो वहां पे उसके मुंह से बदबू आती है, और बदबू कैसी रहती है, वो बदबू ऐसी होती है। नेक्स्ट है इसमें फ्रूटी और स्वीट स्मेल, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से मीठी और फल के जैसी गंध आ रही है, इसका मतलब कि उस व्यक्ति की जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। जब किसी भी व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति के मुंह से कैसी बदबू आती है, फल की तरह, और मीठी बदबू आती है, फल की तरह ही आएगी या फिर मीठी स्मेल आएगी। वहीं पे जब किसी भी व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर उसमें किसी भी तरह की समस्या होती है, तो उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है, और जब किडनी की समस्या होती है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस की समस्या है, मतलब कि उसको शुगर की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह से भी ऐसी ही स्मेल आती है, फ्रूटी या फिर स्वीट स्मेल आती है। ऐसा क्यों होता है, जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, लेकिन जो डायबिटिक व्यक्ति होते हैं उसके शरीर को जब एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या होता है कि फैट बर्निंग होती है, और उसके द्वारा उसको एनर्जी मिलती है, उसको
एनर्जी मिलती है। अब ये जो फैट बर्निंग होती है, तो जब फैट टूटता है, बर्न होता है, तो इससे कीटोन बनता है। इससे क्या बनता है? इससे कीटोन बनता है। और इस कीटोन के कारण ही व्यक्ति के मुंह से कैसी बदबू आती है? फ्रूटी या फिर स्वीट स्मेल आती है। तो सीधा समझ लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी की समस्या है या फिर उसको डायबिटिक मेलिटस की समस्या है, तो उसके मुंह से ऐसी बदबू आएगी। नेक्स्ट इसमें थर्ड है मोल्डी और फंगस स्मेल। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से फफूंदी या फिर फंगस के जैसी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब कि जो श्वसन तंत्र है, वो अच्छा नहीं है। वहां पे किसी भी तरह का कोई संक्रमण हो रहा है और इस वजह से व्यक्ति के मुंह से ऐसी बदबू आ रही है। तो अगर ऐसी बदबू आ रही है, मतलब कि फफूंदी या फिर फंगस की जैसी बदबू आ रही है, इसका मतलब कि जो व्यक्ति है उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत है। जैसे अगर नॉर्मली हम लें कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुखाम हो जाती है, तो उस दौरान क्या होता है कि उसकी नाक एक तरह से बंद हो जाती है, जकड़ जाती है। यहाँ पे जो साइनस होते हैं या फिर जो नाक होती है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस भर जाता है। अब जब म्यूकस यहाँ पे भर जाता है, तो ये म्यूकस नाक के साथ साथ पीछे यहाँ गले में भी रहता है। और जब व्यक्ति की नाक बंद हो जाती है, तो व्यक्ति मुंह से सांस लेता है। और जब हम मुंह से सांस लेते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर मुंह से सांस लेता है, तो मुंह से सांस लेने की वजह से वहां पे जो म्यूकस जमा हुआ है, उसमें एक तरह से बैक्टीरियल बिल्डअप होने लगता है, वहां पे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, और इस वजह से व्यक्ति के मुंह से ऐसी बदबू आती है, मतलब फफूंदी या फिर फंगस की जैसी बदबू आती है। अगर उसके फेफड़े में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, जैसे अगर उसको निमोनिया की दिक्कत हो रही है या फिर उसको अस्थमा की समस्या हो रही है, कफ कंजेशन हो गया है, तो उस दौरान भी व्यक्ति के मुंह से ऐसी ही बदबू आती है। तो हम इसलिए समझ सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से फफूंद या फिर फंगस की जैसी बदबू आ रही है, इसका मतलब कि जो उसका श्वसन तंत्र है, उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इसमें फीकल और पॉप स्मेल, मतलब कि एक तरह से मल की तरह की गंध आना। तो ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन ये हमको जानना जरूरी है कि आखिर ये किस वजह से ऐसा होता है। जब किसी भी व्यक्ति का पेट साफ नहीं रहता है, उसकी जो बड़ी आंत होती है, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, अगर वहां पे मल इकट्ठा होने लगता है या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज की समस्या रहती है, तो उस दौरान फिर व्यक्ति के मुंह से ऐसी बदबू आती है, क्योंकि वहां पे जो खाना होता है वो क्या होता है, सड़ने लगता है। जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, इसमें क्या होता है, खाना एक तरह से चिपक जाता है, सड़ने लगता है, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, और इस वजह से व्यक्ति के मुंह से ऐसी बदबू आती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का पेट साफ नहीं रहता है, उसको दिक्कत है। नेक्स्ट इसमें फीसी स्मेल, मतलब कि मछली की तरह की बदबू आना। अब ये किस वजह से होता है? जब हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, किडनी का मेन काम होता है कि हमारे ब्लड से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको अलग करना, उनको छानना और शरीर से बाहर निकालना। लेकिन जब ये काम अच्छे से किडनी नहीं कर पाती, तो जो ये टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, ये हमारे ही शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं, और फिर तरह तरह की बीमारियां दिखने लगती हैं, तरह तरह के लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं। तो इन सभी लक्षणों में एक लक्षण ये भी होता है कि हमारे मुंह से स्मेल आती है, और ये जो स्मेल होती है कैसी होती है, फीसी स्मेल होती है, मछली की तरह होती है, अगर हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती तो उस दौरान। तो यहाँ पे कौन सा प्रभावित हो रहा है, किडनी प्रभावित हो रही है। और इस तरह से मुंह की जो स्मेल होती है, उसके द्वारा भी हम ये पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसके शरीर में उसका कौन सा अंग है जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है और उसको ये समस्या हो रही है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।